So hello guys, now we are going to solve next problem of fleet code. It's called my calendar third problem. Bahut easy hai is problem ko thoda sa concept hamara related hai n meetings in one room jo ki greedy algorithm ki problem thi. So is problem ka approach nikalna thoda sa mushkil ho jata hai, that's why is problem ko hard section mein inhone put kiya. So problem kya kehti hai, I'm going to show you. We have given इनपुट, ओके. सो इस इनपुट में हमें ये गिवन है माई कैलेंडर बुक एंड हमें कुछ सेक्शन दे रखे हैं उसके इवेंट्स के 10, 20, 50, 60, 10, 40, 5, 15, ये सब हमें गिवन है, ओके. सो इसको सॉल्व कैसे करें या फिर इसकी अप्रोच क्या है या फिर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो अपन पहले चेक कर लेते हैं. ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि यार कितने इवेंट जो है ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ टाइम हमको हमारे जो इवेंट है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सो लाइक एक हम बना लेते हैं, एक नंबर लाइन हमें ड्रॉ कर ली जिसमें अपन ने 10 और 20 देगा यार. ये 10 ले लिया, ये अपन ने 20 ले लिया. तो इन दोनों के बीच में कोई भी मेरे इंटरसेक्ट नहीं करी तो इसका आंसर हो गया 1. तो इस प्रॉब्लम में हमने क्या एक अप्रोच लगाई कि यार हमने बोला कि फर्स्ट वाले जितने भी एलिमेंट हो गए ना स्टार्टिंग से उसको प्लस 1 से डिनोट कर दूँ और जो एंड एलिमेंट होगा ना इन इवेंट्स का लिस्ट ऑफ लिस्ट में उसको -1 से डिनोट कर दूँ. सो अब हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक एक वेरिएबल ले लेते अपन करंट जिसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी 0, ठीक है. एक ले लेते अपन अपना रिजल्ट जिसमें हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी 0. आई थिंक बहुत ज़्यादा छोटा हो गया ना, आई थिंक इट्स विजिबल. सो हमने क्या किया, करंट के अंदर देखा अभी 0 है. सो हमने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज, सॉर्टेड करेंगे वो मैं तुम्हें बाद में बता दूँगा, तुम अपने आप सॉर्ट कर दोगे. बट हमने जैसे लूप यहाँ से चलाया 10 और 20 के बीच में. सो 10 के एक स्टार्टिंग एलिमेंट है, तो स्टार्टिंग एलिमेंट को हमने क्या किया, प्लस 1 से इंक्रीमेंट किया. 20 क्या है, एक्सक्लूसिव एंड एलिमेंट है तो इसको हमने -1 से किया. सो क्या किया हमने, करंट अपना कितना हो गया 1 हो गया. अब रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट के अंदर हम डालेंगे कि मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा करंट. इसको करंट समझ लेना यार, ठीक है. सो इसमें हम डालेंगे रिजल्ट के अंदर मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा करंट. सो अभी हमारा करंट कितना है 0, 1 हो गया. तो रिजल्ट कितना हो जाएगा हमारा, 0 था और पहले तो और कितना हो गया करंट 1 के 1, तो रिजल्ट कितना हो गया अपना 1 हो जाएगा अपना रिजल्ट. अब यहाँ पे आएगा तो करंट कितना हो जाएगा अपना 0. फिर से चेक करेगा कि रिजल्ट क्या है अपना, मैक्सिमम रिजल्ट है करंट, तो करंट तो 0 है, रिजल्ट कितना है अपना मैक्सिमम 1, तो रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी हमारी वैल्यू 1. फिर इसने देखा 50 और 60 भी दे रखा है, तो अभी 60 पे गया तो इसने 60 को यहाँ डिनोट किया जो कि एक्सक्लूसिव है और 50 को इसने नंबर लाइन पे यहाँ डिनोट किया. सो 50 स्टार्ट वैल्यू है, तो स्टार्ट वैल्यू में मैंने क्या बताया तुम्हें, क्या इंक्रीमेंट करेंगे अपन, इसको इंक्रीमेंट करेंगे 1 से. एंड वैल्यू को किससे करेंगे डिक्रीमेंट, -1 से. सो क्या किया हमने, ये भी इतना है तो हम स्टार्ट क्या करेंगे, हम जिस लाइक स्टार्ट तो यहीं से करेंगे और इसके बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं आया था तो अपना करंट कितना बन गया था 0 ही बना, तो रिजल्ट इसमें 1 रहा था, कोई अपडेशन नहीं आएगा. फिर ये यहाँ पे आएगा, करंट क्या होगा यहाँ पे कट के, यहाँ पे कट के हो जाएगा 1. फिर चेक करेगा मैक्सिमम रिजल्ट होकर करंट होते 1 है, ऑलरेडी अपन ने रिटर्न कर रखा है. फिर -1 से चेक करेगा तो इसको कितना कर देगा, फिर से 0 और रिजल्ट अपना 1 का 1 ही रहेगा. तो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म. अब आ जाती है 10 और 40 पे. सो 40 अपना कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगा, बन गया 10 अपना ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 10 तो +1 और हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग एलिमेंट को अपन को +1 करना है. एंड जो होगा उसको अपन क्या कर रहे थे -1, ये 40 है गाइस. सो अब अपन देखिए भाई करंट अपना क्या है, 1 था ऑलरेडी इसको स्टार्ट और 10 को अपन ने पहले से 1 दे रखा था, तो 1 + 1 कितना बन गया 2 बन गया. अब रिजल्ट में क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट मैक्सिमम ऑफ करंट, ये करंट है यार समझ में आ गया होगा. तो सो रिजल्ट का मैक्सिमम कितना होगा 1 है और करंट का मैक्सिमम 2 हो, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट की वैल्यू अपडेट होके 2 हो जाएगी. सो
अब अपना आंसर इस पहले वाले के लिए हो गया था वन, इसके लिए हो गया था वन, अब इस 10 और 40 के लिए अभी तक हो गया रिजल्ट टू। फिर इससे अपन को कोई मतलब नहीं रहेगा, अपन को मतलब रहेगा एंड वैल्यू से, क्योंकि ये बीच में आ रही है। एंड वैल्यू माइनस वन है तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, और रिजल्ट के अंदर स्टोर क्या हो गया मैक्सिमम 2। तो इसकी वैल्यू अपन ने कर दी स्टोर गाइस 2। सॉरी ये माइनस वन यहाँ पे रहेगा ना, क्योंकि अपन आई थिंक पूरी नंबर लाइन से चलेगा, सो ये हो जाएगा माइनस वन करके, ये भी हो जाएगा 0, ये वाला माइनस वन रहेगा। फिर हमारा 5, सो गाइस 5 अपना कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा, ये ऐसे ये ई है और ये 15 है, 15 अपना इन दोनों के बीच में लाई करने वाला है। तो 5 वाले को अपन क्या देंगे +1, एंड वाले को क्या देंगे -1। रिजल्ट अपना ऑलरेडी 2 है, तो 5 वाले का हो जाएगा करंट कितना हो जाएगा अपडेट होके 1 हो जाएगा। फिर गया 10 पे, 10 ऑलरेडी अपना कितना है 2, 1+1 पुराने वाले का, तो 1+1 2+1 कितना हो जाएगा 3। तो रिजल्ट के अंदर क्या जाएगा, रिजल्ट मैक्सिमम करंट और रिजल्ट, तो करंट रिजल्ट कितना हो जाएगा अपना अपडेट होके 3। फिर 10 से फिर 15 तक के बीच में था, फिर अपन फिर से करंट को कितना कर देंगे इनिशियलाइज 0 से, फिर से अपन ने इनिशियलाइज कर दिया। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब 5 से 10 के बीच में आएंगे। अब देखो पॉइंट क्या आके उसने क्वेश्चन में क्या बोल रखा था यार, कि हमें रिप्रेजेंट करना है रिटर्न और रिप्रेजेंट मैक्सिमम के बुकिंग बिटवीन ऑल द प्रीवियस इवेंट्स। सो अब कन्फ्यूजन क्या पैदा होता है कि लाइक अरे भाई चल जा यार, ओके। तो कन्फ्यूजन क्या पैदा होता है अपने यहाँ पे कि यार 5 तो है और 10 भी है, तो 5 को ऑलरेडी अपने पास इंक्रीमेंट हुआ +1 और एक और अपना 5 आ गया, तो ये कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये हो गया अपना +2। ठीक है, 10 पे जो था, अब 10 यहाँ पे अपना -1 बनेगा, अब वो पॉजिटिव में है क्योंकि अपना ही एंड वाला हो गया। सो 2+2 4, ये ऑलरेडी कितना बन रखा था अपना 2 बन रखा था, इसमें एक गया 1। अब ये ओवरऑल मिला कि 2 और 1 ही रहा, लेकिन अपना रिजल्ट के अंदर ऑलरेडी मैक्सिमम क्या प्रेजेंट है 3। सो हमें मैक्सिमम प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आएगा 3, ऐसे सेम 25 और 55 में आएगा तो आंसर आएगा 3। सो आउटपुट अपना फिर कैसा बनेगा, 1 1 2 3 3 एंड 3, ये अपना आउटपुट बन गया। तो एक इजी सी अप्रोच थी, बस ये अप्रोच थोड़ी बहुत नहीं लगी तो थोड़ा अपना इसको प्रॉब्लम आ रहा थी सॉल्व करने में। सो इधर हम कोड देख लेते हैं, हमने क्या किया एक मैप बना दिया, ठीक है, डिक्शनरी बोलते हैं जैसे अपन, उसके अंदर हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर करा दी। तो हमने क्या किया, स्टार्ट वाले को अपन ने +1 से इंक्रीमेंट किया और एंड वाले को -1 से इंक्रीमेंट किया, रिजल्ट और करंट अपन ने दे दिया यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे सॉर्टेड कर दिया। अब मैंने तुम्हें बोला सॉर्टेड तुम कर सकते हो, इसको यार तो तुम सॉर्टेड वे में डायरेक्ट लिख दो, जो अपना 10 20 सब्जेक्ट है इसको सॉर्ट कर दो, ठीक है। तो हमने इसको सॉर्ट किया कीज़ के अकॉर्डिंग, कीज़ क्या है 10 20 50 60 10 40, ये सब क्या कीज़ हैं यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग अपन ने इसको सॉर्ट कर दिया। फिर हमने क्या बोला यार, अब जो अपना वो +1 है ना वो करंट के अंदर डालो, फिर उसके अंदर -1 भी डालोगे। तो पहले +1 डाला, तो इसने बोला रिजल्ट के साथ चेक करो यार कि मैक्सिमम में रिजल्ट है या फिर करंट है। तो अपन ने चेक कर ही लिया था यहाँ पे कि रिजल्ट आ रहा है और यहाँ पे करंट में मैक्सिमम आ रहा है। उसको चेक करने के बाद तो अपन रिटर्न क्या करा देंगे अपना रिजल्ट। तो इस कोड को अपन ने रन किया, वैसे तो चल जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सबमिट कर रखा है। सो एक बहुत ईजी अप्रोच थी गाइस, होप तुम्हें समझ में आई होगी। जो भी प्रॉब्लम लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं उस चीज़ पर इम्प्रूव करूँगा और तुम्हारी और प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। 66% से बेस्ट है अपना सॉल्यूशन, तो सही सॉल्यूशन। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू गाइज लाइक इट, अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम।